एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। टॉपिक है हमारा डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड। डाटा हैंडलिंग में हम करते हैं बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको अभी नहीं करेंगे। पहले सबसे पहले मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू फाइंड सर्कल, हाउ टू मेक सर्कल ग्राफ इन डाटा हैंडलिंग चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से ये टॉपिक आपको क्लियर करवाने वाली हूँ बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग डाटा एज अ सर्कल ग्राफ। डाटा क्या है, डेटा क्या है, हमें क्या करना है, जो हमें आइटम्स दी हैं, गेम्स दी हैं, उसको शो करना है कि कितने पर्सन क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उनके आंसर्स फाइंड करना, उसकी प्रॉपर वे काउंट करना कि कैसे वो कितना लाइक करते हैं किसी चीज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको करवाने वाली हूँ। तो बच्चों क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, सम डाटा ऑन द गेम्स, द 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। ये गेम्स की डाटा है, इसमें कैरम, चेस, चाइनीज चेकर्स और स्क्रैबल, 4 गेम्स हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास 5th के और टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स। लाइक टू प्ले इज गिवन, ड्रॉ ए सर्कल ग्राफ टू रिप्रेजेंट। अब इसी डेटा को हमें एक सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास गेम्स है कैरम, चेस, चाइनीज चेकर्स और स्क्रैबल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने कैरम लाइक किया है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, चेस लाइक किया है 5 स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज चेकर लाइक किया है 20 स्टूडेंट्स हैं, एंड स्क्रैबल लाइक करने वाले ओनली हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स। अगर हम इन सबको काउंट करें तो ये टोटल हो जाते हैं 5, 10, 5, 5, 10, 10, 20, 30, 30 and 10, 40 स्टूडेंट्स हमारे हो जाते हैं। अब हम इन्हें एक सर्कल ग्राफ में शो करना है, वो कैसे करेंगे। तो बच्चों पहली गेम है हमारी कैरम। कैरम क्या, हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन के हिसाब से हम सर्कल ग्राफ को रिप्रेजेंट करके बताएंगे। कैरम के हमारे टोटल स्टूडेंट्स है 5 out of 40। 40 स्टूडेंट्स टोटल थे, कैरम कितनों ने लाइक किया, 5 स्टूडेंट्स ने। अब इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 5/40 करके हम सोल्व करेंगे। 5 1 5, 5 8 40, 1/8 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा कैरम का। सेकंड है हमारी गेम चेस। तो बच्चों चेस के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं 5 out of 40, तो 5/40 इसका भी फ्रैक्शन एज इट इज निकालेंगे, 5 1 5, 5 8 40, 1/8 आ जाएगा हमारा चेस का फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज चेकर। चाइनीज चेकर में बच्चों लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे 20, और 20 out of 40 इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स थे 40, 20 out of 40 इसका फ्रैक्शन निकालेंगे हमारा आ जाएगा 1/2 आ गया हमारा चाइनीज चेकर, मतलब 40 का हाफ। किस गेम को लाइक कर रहे हैं चाइनीज चेकर को। नेक्स्ट लास्ट है स्क्रैबल। स्क्रैबल लाइक किया है 10 स्टूडेंट्स ने, 10 out of 40, तो ये भी बच्चों आ जाएगा 10/40, 10 1 10, 10 4 40, सबका फ्रैक्शन हमने निकाल लिया है। 1/8 फ्रैक्शन निकला है कैरम का, 1/8 सेम चेस का, 1/2 हमारा चाइनीज चेकर और 1/4 हमारा क्या है स्क्रैबल। अब इस सर्कल ग्राफ क्या है, इस सर्कल में हमें ये सारा फ्रैक्शन शो करना है, तो हमारा सर्कल ग्राफ डन हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 होता है हाफ, सर्कल का हाफ पार्ट किसने लाइक किया है, इसने लाइक किया है बच्चों चाइनीज चेकर ने, चाइनीज चेकर। उसके बाद है 1/2 हमारा हो गया हाफ, उसके बाद होता है 1/4, 1/4 बच्चों हमारा जो हाफ पोर्शन बच जाता है उसका हाफ बोलते हैं 1/4। ये हाफ पोर्शन हमारा पेंडिंग था तो इसका हाफ करने पर 1/4 हमारा हो जाएगा स्क्रैबल का। कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया स्क्रैबल को, 1/4। अब जो हमारा बाकी पोर्शन बच जाता है वो आता है 1/8, 1/8, 2 गेम्स हैं कैरम और चेस, तो इसका भी हाफ कर देंगे, तो एक हाफ में आ जाएगा इसका कैरम और बाकी पेंडिंग वर्क में आ जाएगा हमारा चेस।
ये हो गया 1/8, देन ये भी 1/8 और हाफ हो जाएगा चाइनीज चेकर, हाफ का हाफ हो जाएगा स्कैबल और उस हाफ का भी डबल हाफ हो जाएगा 1/8, 1/8, इट मीन्स कैरम और चेस। तो ये था बच्चों हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल ग्राफ इन रिप्रेजेंटिंग डाटा में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।